Good morning students, class 8, art and craft book, page number 21. तो students आज का topic है still life study और proportion. सबसे पहले हम proportion के बारे में जानेंगे. तो students still life object drawing, still life आप जब drawing करते हो तो आपके सामने जो भी रखा है उसको आपको देख के draw करना होता है. तो जब हम draw करते हैं तो उसका जो measurement है, उसकी जो height है, weight है, वो हमें check करना होता है. तो proportion में सबसे फर्स्ट है हाइट एंड वेट. ये जो मेजरमेंट आप करोगे उसे कहेंगे प्रोपोर्शन. स्टूडेंट्स आपके सामने जो भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो वो आपको चेक करना होता है कि उसका साइज क्या है. जैसे कि ग्रेप्स है, ग्रेप्स का बंच है और साथ में एप्पल है, तो आप देखोगे कि एप्पल का जो शेप है ना, उसके डिपेंडेंट ग्रेप्स का बंच हो सकता है या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना. लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एप्पल बड़ा हो और ग्रेप्स इतना छोटा छोटा हो. तो ये जो हमें चेक करना होता है, हमें सामने जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उसका जो हाइट और वेट कितना है वो चेक करने को हम कहेंगे प्रोपोर्शन. स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले आज ड्रॉ करना है स्टिल लाइफ में लाइटिंग ऑफ लैंप. स्टूडेंट्स आपने आपको ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है आपकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में है, उसको आपको देखना है और देखकर ड्रॉ करना है. तो हम देखेंगे जो लाइटिंग ऑफ लैंप है वो पार्ट सिमेट्रिकल ड्राइंग है, तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल पिक्चर. तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले एक सेंटर लाइन, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे. जो गाइड लाइन है हमें गाइड कर रहा है स्टैंडिंग लाइन. फिर आपको ड्रॉ करना है जो उसका जो सेकेंड पार्ट है, हाफ पार्ट आप ड्रॉ कर रहे हो. शुरू से आपको ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ था, आपको चेक करना है. शुरू से आपने हाफ पार्ट ड्रॉ किया है, अभी हाफ पार्ट को आपको सामने देखकर ड्रॉ करना है. तो आपके पास स्केल है तो आप सीधीगर डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो. जो स्टैंडिंग लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, जो गाइड लाइन है, वो हमें सपोर्ट करेगा ऑपोजिट साइड पार्ट ड्रॉ करने के लिए. तो स्टूडेंट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट हम काम करेंगे. जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना सिमिलर पार्ट आप जाओगे, डिस्टेंस पर आप डॉट करोगे. सिमिलर में आपको सिर्फ रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स. इतना जितना डिस्टेंस यहाँ पर है तो उसके ऑपोजिट पार्ट इतना मेजरमेंट काम करोगे. सिमिलर पार्ट पर आप डॉट करोगे तो आपको एक पार्ट डिस्टेंस मिल जाएगा. सेम में एक स्ट्रेट लाइन है, स्लिपिंग लाइन स्ट्रेट रहेगी. ये पार्ट कर्व है तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो. स्टैंडिंग मेजर मेजरमेंट कर्व पार्ट सिमिलर ऑपोजिट पार्ट में कितना डिस्टेंस है उतना सिमिलर डिस्टेंस आप डॉट करोगे. सिमिलर पार्ट पर आप डॉट करोगे सिमिलर डिस्टेंस पे. स्टूडेंट्स आप इजीली ये पिक्चर को आप कंप्लीट करोगे विद मेजरमेंट. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फोल्ड पेज को फोल्ड नहीं करना है, प्रेसिंग नहीं करना है, हमें अपना माइंड लगाना है और सिमिलर डिस्टेंस पर आपको वो पार्ट जाकर ड्रॉ करना है. तो आप इजीली ये सिमिलर मेजरमेंट चेक ड्रॉ करोगे, डिस्टेंस चेक करोगे तो आप ये इजीली लाइटिंग ऑफ लैंप ड्रॉ करोगे. और सेकेंड पिक्चर है स्टूडेंट्स फ्रूट्स बाउल. तो आपके घर पर अगर बाउल है तो आप बाउल में फ्रूट्स रखकर उसको सामने रखकर आपको उसको देखकर ड्रॉ करना है. तो उसमें देखोगे तो आप मेजरमेंट करोगे कि कितना पार्ट जैसे कि बनाना है, बनाना का साइज क्या है ना. सेम एज ग्रेप्स का साइज क्या है, एप्पल का साइज क्या है, वो देखकर आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे हम एक फ्रूट बाउल ड्रॉ कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ बकेट ड्रॉ करने के लिए. मैंने एक लॉन्ग रेक्टेंगल ड्रॉ किया है. सेम एज यहाँ पे मैं कर्व पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ. अभी यहाँ पर रेक्टेंगल हमें सपोर्ट कर रहा है, जितना डिस्टेंस है यहाँ पॉइंट टच हो रहा है, उसकी ऑपोजिट पार्ट में भी पॉइंट टच होगा. तो हमें ड्रॉ करना है यहाँ से कर्व. स्टूडेंट्स आप इजीली दोनों ट्राइंगल को चेक करना है सिमिलर है कि नहीं. अगर सिमिलर नहीं है तो रफ करके हमें फिर से ड्रॉ करना है. तो हमने इजीली यहाँ पे हम कर्व से ड्रॉ कर रहे हैं. स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इजीली बास्केट हमने ड्रॉ कर दिया है. स्टूडेंट हमें इसके अंदर फ्रूट्स ड्रॉ करने हैं. तो आपको पिक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको देख के ड्रॉ करना चाहते हो सेम इमेज. तो बनाना जो है पैरेलल लाइन है, आगे जाके उसका पॉइंट कम होता जाता है. तो हम यहाँ पे इजीली हम ड्रॉ कर रहे हैं.
लाइट हैंड यूज करेंगे, जिससे अगर कुछ गलती है तो हम उसको इजीली रफ कर सकते हैं। अगर आप दाग प्रेशर जाके ज्यादा लोगे तो ज्यादा दाग होगा लाइन, तो ज्यादा जल्दी से आप रफ नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक और एक सेफ ऐड कर लिया है, और एक सेफ ऐड कर लिया है यहाँ, और एक कॉपी का सेफ ऐड कर लिया है। स्टूडेंट्स आपको ये ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है, आप रफ स्केच करोगे। रफ स्केच करने के बाद उसके अंदर ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेप्स का बल्ज है, तो यहाँ पे ग्रेप्स का शेप ओवर शेप है, तो हम ओवर शेप को ऐड करते हुए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसे आपको अपनी जो आर्ट है, क्राफ्ट बुक है, उसमें आपको ये ड्रॉ करना है। एप्पल शेप है, आप एप्पल शेप में एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको रफ करोगे। ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज का कितना साइज है वो आपको चेक करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ड्रॉ करना है, और इसमें शेडिंग वैल्यू ऐड करना है, जो हमें पता है शेडिंग वैल्यू, आपने पहले मॉड्यूल में भी देखा होगा। लाइट टू डार्क शेडिंग वैल्यू क्या है, लाइट टू डार्क। तो यहां से अगर स्टूडेंट फोकस लाइट है, यहां से अगर फोकस लाइट है, लाइट ऑफ सोर्स है, यहां से फोकस लाइट है, फोकस है, तो ये जो पार्ट है वो पार्ट लाइट रहेगा। जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट होगा, ये इनर, तो ये डार्क रहेगा, इनर पार्ट डार्क। और जो वन साइड आउटर पार्ट है, जहां मैंने वो लिखा है आउटर पार्ट है, ये पार्ट लाइट रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्रेयोन्स कलर या ऑयल पेस्टल या फिर वाटर कलर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ड्रॉ करने के लिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए जो अपनी येल्लो बुक है, स्केच बुक, वो स्केच बुक में आप प्रैक्टिस करोगे। अगर सही आप ड्रॉ कर पा रहे हो, फिर वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पर पेज नंबर 21 है, उसके ऊपर ये पिक्चर आपको कंप्लीट करना है, अभी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।